वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो इस वीडियो लेक्चर में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम के बारे में। सो गाइज चलिए देखते हैं कि थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है और मैं आप लोगों को समझा देता हूँ पढ़ करके। लेट एश इज इक्वल्स टू अल्फा वन अल्फा टू, एक सेट है एश हमारा, ठीक है ना। बी एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वैक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी इफ a vector beta in V in V is in the linear span of H, then beta is equals to summation of K is equals to 1 to M inner product of beta comma alpha K upon norm alpha square into alpha K। So guys देखिए क्या कहा है, statement actual में है क्या, मैंने पढ़ तो दिया है but आप लोगों को समझना जरूरी है, ठीक है ना। समझेंगे then you can prove it easily, ठीक है ना। देखिए हमारे पास एक set है H जिसमें हमारे कुछ वेक्टर्स हैं और बताया गया है कि ये जो हमारे सेट हैं वो हमारा क्या है, एक ऑर्थोगोनल सेट है। सो गाइस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को अगर ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल सेट के बारे में नहीं पता है तो मैंने इसका ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो जिसमें मैंने सिर्फ डेफिनेशन और एग्जाम्पल डिस्कशन किया है तो आप लोग उसको देख सकते हो, मैं जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। या फिर आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जा करके एक लीनियर एल्जेब्रा करके मैंने एक पर्सनल उसमें बना रखा है तो उसको भी आप लोग जाकर के विजिट कर सकते हैं और वहां पर भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो मैंने तीन टॉपिक डिस्कशन किया है जिसमें मैंने ऑर्थोगोनालिटी के बारे में डिस्कशन किया है एंड उसके बाद वाले जो वीडियो लेक्चर है उसमें मैंने जो है ऑर्थोगोनल सेट और ऑर्थोनॉर्मल सेट के बारे में डिस्कशन किया है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर ले क्योंकि इस थ्योरम में जरूरत पड़ेगी। ओके गाइज तो ये जो हमारा सेट है वो दिया गया है कि एक ऑर्थोगोनल सेट है ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स के, है ना, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस वी में। अगर इफ अ वेक्टर बीटा इन वी, अगर एक बीटा जो है वेक्टर हो वी में इज इन द लीनियर स्पान ऑफ एच, तो जो ये बीटा है ना गाइस, बीटा जो है एक लीनियर स्पान बनाता है, ठीक है ना, लीनियर स्पान है ये समझ लीजिए एच का, एस का लीनियर स्पान है। सो गाइस होप कि आप लोगों को लीनियर स्पान वगैरह ये सारा चीजें कॉन्सेप्ट लीनियर कॉम्बिनेशन है ना ये सब चीजें अच्छे से क्लियर है, ठीक। तो अगर क्लियर नहीं है तो आप लोग इसको क्लियर कर सकते हैं, अगर नहीं पता है, अगर मुझे मेरे से सीखना है तो आप लोग कमेंट करके ही बता सकते हैं तो मैं आप लोगों को इसका वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड करवा दूंगा। बिकॉज मैं यहाँ पर वेक्टर स्पेस जो है डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इनर प्रोडक्ट स्पेस डिस्कशन कर रहा हूँ। एक्चुअल में इनर प्रोडक्ट स्पेस भी हमारा वेक्टर स्पेस का ही एक टॉपिक है। सो यहाँ पर जो मेन मोटिव हमारा है इस थ्योरम को प्रूव करने का वो हमारा इनर प्रोडक्ट स्पेस है। तो मैं यहाँ पर लीनियर स्पान वगैरह का जो डेफिनेशन है वो मैं डिस्कशन ज़्यादा नहीं करूँगा बट फिर भी मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा पूरा पूरा समझाने की, ठीक है। तो अगर हमारा जो बीटा है वो हमारा वेक्टर वी के सेट का एक वेक्टर है बीटा, तो वो जो है लीनियर स्पान है एस का होगा, तो हमें ये प्रूफ करना है कि बीटा जो है हमारे इस फॉर्म का होता है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं कि इसका प्रूफ हम कैसे कर सकते हैं। अब देखिए गाइज यहाँ पर जो भी डेफिनेशन जो भी स्टेटमेंट में बताया गया हम उन सब चीजों का यूज करके ही इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। यहाँ पर बताया गया सिंस बीटा बिलोंग्स टू लीनियर स्पान ऑफ एश देयरफॉर बीटा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर इन एश। तो मैंने आप लोगों को बताया कि लीनियर कॉम्बिनेशन जाननी पड़ेगी अगर आपको लीनियर स्पान सीखना है, ठीक है। तो लीनियर स्पान अगर सीखना है तो लीनियर कॉम्बिनेशन जरूर जान लीजिए। तो यहाँ पर ये चीज बताया गया था इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है सिंस बीटा बिलोंग्स टू लीनियर स्पान ऑफ एस, तो बीटा अगर लीनियर स्पान एस में बिलोंग कर रहा है देन बीटा को हम जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वैक्टर्स इन एश, ठीक है। तो एश के वैक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड ये जो है हम लेट बीटा को हम इस टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या, ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस डॉट डॉट अप टू सो ऑन ए एम अल्फा एम। तो ये देखिए ये हमारा समेशन के फॉर्म में, तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ जे इज इक्वल्स टू वन टू एम सी जे अल्फा जे, ठीक। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अब हम देखिए नेक्स्ट दोबारा हमें आप मानेंगे लेट अल्फा के बिलोंग्स टू एच, तो जो अल्फा के है ना, अल्फा के मतलब अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री डॉट अप सो ऑन अल्फा के तक, मतलब वो सारे हमारे इस एच में बिलोंग करता है, ये समझ लीजिए आप। सच दैट जो भी हमारा k का वैल्यू होगा वो 1 से ग्रेटर होगा, इक्वल होगा या फिर m से छोटा होगा, देन हम देखिए क्या करेंगे, हमारे पास क्या है एक बीटा एक वेक्टर है और एक अल्फा k हमारे पास, ये भी हमारे वेक्टर ही हुए क्योंकि हमारा इस सेट में बिलोंग कर रहा है, ये एक वेक्टर का ही सेट है, आए समझ में। तो
तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का इनर प्रोडक्ट करेंगे। तो इनर प्रोडक्ट बीटा कॉमा अल्फा के इज इक्वल्स टू, देखिए बीटा हमारे पास क्या है, ए वन अल्फा वन, ए टू अल्फा टू, डॉट अप टू सो वन ए एम अल्फा एम। तो मैंने यहाँ पर वही लिख दिया बीटा के प्लेस पर, ए एम ए वन अल्फा वन, ए टू अल्फा टू प्लस अप टू सो ऑन ए एम अल्फा एम, इनर प्रोडक्ट विद अल्फा के। होप कि गाइज आप लोगों को इनर प्रोडक्ट स्पेस का कॉन्सेप्ट क्लियर है, और वहां पर मैंने जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी आप लोगों को बताया था वो अच्छे से आप लोगों को पता है। ठीक, तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लीनियरिटी प्रॉपर्टी के यूज करके ही इसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। देखिए ये हमारे पास एक टर्म है, देन इसका इनर प्रोडक्ट हम इसके साथ करेंगे, और जो भी हमारे इसमें जो है स्केलर होता है वो बाहर आ जाता है। तो मैंने वही किया, ए वन इनर प्रोडक्ट अल्फा वन कॉमा अल्फा के, प्लस सिमिलरली इस वाले के लिए भी हम वही करेंगे इसके साथ, ए टू अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा टू अल्फा के प्लस डॉट डॉट अप टू सो ऑन। देखिए एक टर्म हमारा के भी रहेगा, ठीक है ना। देखिए ये जो एम टर्म है ना, एम टर्म से पहले एक टर्म हमने ले लिया है कि के कोई हमारा एक टर्म है, हो सकता है ऐसा हो सकता है। ठीक, तो ए के इनर प्रोडक्ट अल्फा के विद अल्फा के, क्योंकि यहां पर भी अल्फा के है, प्लस ए एम इनर प्रोडक्ट अल्फा एम के एम। ठीक, मैं यहां पर लिख भी दिया है बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, सिंस अब देखिए यहां पर ये बताया गया था कि ये जो है एश क्या है हमारा, एक ऑर्थोगोनल सेट है। और गाइस ऑर्थोगोनल सेट क्या होता है, उसके अंदर के जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में हमारे क्या होते हैं, आपस में हमारे क्या होते हैं, उनके जो इनर प्रोडक्ट होते हैं वो जीरो होता है, कहने का मतलब ऑर्थोगोनल होता है, समझ, ऑर्थोगोनल होता है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, अगर अल्फा वन अल्फा टू ले तब भी हमारा उनका इनर प्रोडक्ट जीरो होगा, क्योंकि ऑर्थोगोनल होता है। तो ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन यही कहता है कि कोई भी दो वेक्टर हो जाए और उनका इनर प्रोडक्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, तो यहां पर वही लिख दिया कि सिंस अल्फा इज ऑर्थोगोनल देन देयरफॉर अल्फा वन अल्फा के इज इक्वल्स टू जीरो, यही तो होगा ऑर्थोगोनलिटी का डेफिनेशन से। फिर अल्फा टू अल्फा के जीरो, ऐसे ही हमारे अप टू सो ऑन अल्फा एम अल्फा के इज इक्वल्स टू जीरो। तो डिफरेंट कोई भी दो डिफरेंट अगर वेक्टर हम इनके अंदर का ले ले और उनका इनर प्रोडक्ट कर दे तो जीरो आ जाएगा, समझ में, यही होता है ऑर्थोगोनल सेट का जो है डेफिनेशन, सभी के लिए हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा चीज होता है। अब देखिए लेकिन यहां पर क्या अलग अलग वेक्टर के लिए होता है ये चीज, अगर सेम वेक्टर हुआ तो वो जो है जीरो के इक्वल नहीं होता, इसलिए मैंने यहां पर भी लिख दिया है बट अल्फा के कॉमा अल्फा के डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, जो कि आपने देखा है यहां पर एक टर्म आ रखा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो सारी वैल्यू देखिए, तो ये जीरो हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाए, ये जीरो हो रहा है, ये भी जीरो हो रहा है, एंड ये भी हमारे जीरो हो जाएंगे, बचेंगे क्या हमारे पास ए के इनर प्रोडक्ट अल्फा के अल्फा के। तो मैंने क्या कर दिया है, यहां पर इन सब का वैल्यू पुट कर दिया, डायरेक्टली लिख दिया है बीटा कॉमा अल्फा के इज इक्वल्स टू, ये चीज बच गया, ए के इनर प्रोडक्ट अल्फा के अल्फा के। अब गाइस इसका फर्दर हम सॉल्यूशन करेंगे, देखिए ये हमारा जो है एक डेफिनेशन यहां पर बन रहा है, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए ये चीज आ गया है हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं इनर प्रोडक्ट लिख सकता हूँ ना। देखिए ये जो है अल्फा के का जो है नॉर्म हो जाएगा हमारा। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा के इज इक्वल्स टू ए के, अब इसको मैं लिख सकता हूँ नॉर्म ऑफ अल्फा के का स्क्वायर। ठीक है, अभी नॉर्म ऑफ अल्फा के का स्क्वायर को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर अपॉन में लेके आएंगे। तो देखिए ये चीज हमें ऐसा मिल जाएगा। अब सुनिए, देखिएगा यहाँ पर क्या करना है, हमारे पास अब पता है सिंस बीटा इज इक्वल्स टू क्या है, ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस डॉट डॉट टू सो ऑन ए एम अल्फा एम, ऐसा ही तो है ना, यही तो है हमारे पास। तो गाइस अब देखिए हम यहां पर क्या करेंगे, बीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, बीटा को देखिए इसको मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूं, बीटा को मैं अब कैसे लिख सकता हूं, देखिए समेशन ऑफ के इज इक्वल्स टू वन टू एम, देखिए ए के अल्फा के मैं लिख सकता हूं ऐसे, ए के अल्फा के। अब देखिए बीटा इज इक्वल्स टू, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, बीटा इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ के इज इक्वल्स टू वन टू एम, अल्फा के प्लेस पर मैं क्या रख सकता हूं, अल्फा के प्लेस पर इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा के अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा के का स्क्वायर रख सकता हूं, है ना, या फिर अल्फा ही बोल सकते हैं आप, अल्फा बोल सकते हैं, और इन टू अल्फा के। ठीक है, तो जो देखिए हमें लाना चाहिए था वो हमने ला दिया है, किसके लिए, एक ऑर्थोगोनल सेट के लिए। ठीक है ना, एक ऑर्थोगोनल सेट की अगर मैं बात करूं तो ये चीज हमारा हो गया प्रूफ। अब गाइज ये ऑर्थोगोनल, देखिए डेफिनेशन को मैं यहां पर अगर थोड़ा सा अगर घुमा दूं तो कैसा बन जाएगा, यहां पर ऑर्थोगोनल सेट हो गया, अब मैं अगर यहां पर ऑर्थोनॉर्मल सेट बोलूं, क्या बोलूं, ऑर्थोनॉर्मल सेट, अगर ऑर्थोनॉर्मल सेट बोल दूं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखिए
अगर ऑर्थोनॉर्मल सेट हो, इफ यहां पर मैं लिख देता हूं इफ एच इज ऑर्थो नॉर्मल तो ऑर्थो नॉर्मल अगर हुआ तो उस कंडीशन में जो नॉर्म होगा ना हमारा, देखिए नॉर्म ऑफ जो अल्फा होगा वो हमारा क्या होगा, वन होगा। ये ऑर्थो नॉर्मल सेट की डेफिनेशन में आप लोगों को मैंने बताया था। तो यहां पर हमारा जो बीटा हो जाएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, इसका वैल्यू वन हो जाएगा, है ना, बीटा कॉमा अल्फा के इंटू सॉरी समेशन, तो यहां पर रहेगा ये के इज इक्वल्स टू वन टू एम, ठीक है, और यहां पर हमारा रह जाएगा अल्फा के। तो अगर ऑर्थो नॉर्मल सेट हुआ तो बीटा हम इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, है ना, और अगर ऑर्थोगोनल सेट हुआ तो बीटा को हम इस टाइप से डिफाइन करेंगे जो कि हमारे थ्योरम के स्टेटमेंट में ही था, ठीक है। सो गाइस होप कि आप लोगों को ये जो थ्योरम है बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर कहीं पर डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आप लोगों को जो है पूरा पूरा हेल्प करने की कोशिश करूंगा, और ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को पहले कौन सा टॉपिक क्लियर करना है, ठीक है ना, और कौन सा वीडियो मैंने अपने प्लेलिस्ट में बना रखा है, या फिर मैं आगे कौन सा वीडियो के बारे में या फिर कौन से लेक्चर के बारे में डिस्कशन करूंगा, ये सारे चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, इवन आपको पूरा पूरा हेल्प भी करूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।